आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड ने गणतंत्र दिवस के 73वें वर्ष गांठ के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों और क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए रोजगार से जोड़ने के लिए दिया संदेश। इसके साथ ही संस्था के संस्थापक सुशील राय द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न कराया गया एवं आजमगढ़ के सभी ब्रांचों पर वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। संस्था के CMD रवि प्रकाश तिवारी समस्त देशवासियों व क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम एक राष्ट्र हैं, एक भाई बहन हैं। जब हम मिलकर रहेंगे तो देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। वह संस्था के CEO हरिराम यादव ने सभी कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सेवा से जुड़े रहने का मंत्र दिया ताकि संस्था द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के फायदों से कोई वंचित न रह जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संस्था की तरफ से संचालित किया गया था, जिसका संचालन टीम सेल्स मैनेजर योगेश विश्वकर्मा व HR मैनेजर राहुल जायसवाल ने किया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के अवसर पर सुशील राय, नवनीत सिंह बॉबी, विवेक शुक्ला उर्फ गुंजल की उपस्थिति गौरवान्वित करती रही। सभी लोगों ने उन वीर वीरांगनाओं व देशभक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी वजह से आज हम आजाद भारत में अपने आप को व समाज व देश को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में राम समुझ यादव, वेद प्रकाश सिंह, अली दानिश उस्मानी मैनेजर, रेड विभाग मैनेजर अमित चतुर्वेदी के साथ सभी ब्रांच के ऑफिस स्टाफ व सेल्स टीम स्टाफ इत्यादि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। नमस्कार, सबसे पहले तो आप लोगों को परिचय दे दूं, अपना नाम मेरा रवि प्रकाश तिवारी, चेयरमैन काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम हम लोग मनाए बड़े हर्षोल्लास से। और हाँ, इस बीच हमारे संस्था के हमारे संस्थापक महोदय रहे, हमारे CEO और हमारे मुख्य अतिथि, हमारे गुरुजन जो हमें हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहते हैं, और हमारे प्यारे स्टाफ, हम सब ने मिलकर आज ध्वजारोहण किया और झंडे को सलामी दिया। इसके साथ साथ जो एक देश का पर्व है, इसको हम लोग हर्षोल्लास से हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को मनाते हैं, उसी का कार्यक्रम में आज का भी हमारा कार्यक्रम रहा और हर ब्रांचों पे हमारे झंडा रोहण हुआ। कुछ और अपनी संस्था के बारे में बताना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस सब लोग मनाते हैं, हम लोग बचपन से मनाते आ रहे हैं और बस सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग एक राष्ट्र हैं, एक देश हैं और हम लोग एक भाई बहन हैं, तो हमें मिल के रहना है। और जब हम मिल के रहेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, और जब देश मजबूत होगा तो ऑलरेडी हम मजबूत होंगे। और मैं अपने आज आपके माध्यम से मैं अपने पूरे जनपदवासियों को, मैं अपने प्रदेशवासियों को, मैं अपने देशवासियों को, मैं सबको आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।